कमगरी मेरा नाम प्रेम सिंह है। आज हम आपको राजस्थान से एक मीठा अचार बनाना बताएंगे जो कि कच्चे पपीते का बनाएंगे, जो कि ट्रेडिशनली रेसिपी ऑफ राजस्थान है, हेल्थी रेसिपी है और ऑयल फ्री भी है। तो इसके लिए आपको स्टोर करके आप घर में रख सकते हैं, जैसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो एक हेल्थी रेसिपी है तो जिसमें ऑयल फ्री है। तो मैं इसमें स्पाइस बताऊंगा आपको। स्पाइस में जैसे ये मैंने ले लिए तकरी फूल ले लिया, दालचीनी और तेज पत्ता ले लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी और सौंफ। जैसे कलौंजी बोले प्याज के बीज और सौंफ ले लेंगे, साबुत लाल मिर्च, जो पपीता है पपीते को हम पील कर लेंगे। पील करने के बाद इसमें सीड्स निकालेंगे और स्किन रिमूव कर लेंगे। स्किन रिमूव करने के बाद ऐसे जो मैंने ये स्लाइस कर लिया, आप देख लीजिए कि मैं ऐसा स्लाइस कर लेंगे, थिन बिल्कुल बारीक स्लाइस करेंगे। और इसमें हम टेम्परिंग मारने के बाद यूज करेंगे ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, हल्दी, लाल मिर्च, चीनी और आप इसमें सिरका यूज कर सकते हैं। मैंने सिरका लिया है। जैसे एक किलो कच्चा पपीता है 10 से 15 ml सिरका ले लेंगे, या फिर आप लेमन जूस यूज कर सकते हैं। तो हम जब भी ये अचार बनाएंगे, मुरब्बा जो भी कच्चा पपीता का, इसको हम पैन ले लेंगे स्लो पे। हम सबसे पहले ये होल स्पाइसेस जो कि मीठा फ्लेवर देने के लिए, चक्री फूल है, दालचीनी है और तेज पत्ता है, इसको हल्के स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें कलौंजी और सौंफ है वो भी साथ में डाल दूंगा। ये आपका कलौंजी 3 से 4 ग्राम है, 4 से 5 ग्राम सौंफ डालेंगे। इसको स्लो पे आपको रोस्ट करना है। तो इसका एक अलग ही खुशबू आएगी, जैसे क्रैकल्स होने लगेंगे। इसका आपको जलाना नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत लाल मिर्च 3 से 4, जो कि एक अपना फ्लेवर होगा। तो हमारा ये मसाले सौते हो चुके हैं, कलर आ चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा पपीता है, पपीते को बिल्कुल बारीक है स्लाइस किया हुआ। हमें पपीते को हल्का स्लो फ्लेम पे सौते करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 ग्राम हल्दी, 2 से 3 ग्राम लाल मिर्च, लाल मिर्च ज्यादा नहीं डालनी है, और सॉल्ट एज पर टेस्ट, जैसे ब्लैक सॉल्ट लिया मैंने। फिर इसको मिक्स कर देंगे और इसमें हल्का सा वाटर ऐड कर देंगे, जिससे ये तुम्हारा और इसको पकते रहने देना, 10 से 15 मिनट पकाना स्लो फ्लेम पे। तो ये हमारा जो कच्चा पपीता है 50 to 60% कुक हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसमें कुछ, जैसे हम सिरका ऐड करेंगे और चीनी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें अब सिरका ऐड कर रहा हूँ। सिरका नहीं हो आपके पास तो आप लेमन जूस इस जगह ऐड कर सकते हैं, जिससे इसमें एक खट्टापन रहेगा, खट्टा और मीठा स्वाद के लिए। इसके बाद हम चीनी लेंगे। जैसे मैंने ये 1 किलो पपीता लिया था, जिसको पील करने के बाद उतना हो गया। उसके बाद हम इसमें 250 से 300 ग्राम के आसपास चीनी ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट, आप शुगर स्लिप भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना वो रखते हो। इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो ये अचार जो मीठा मुरब्बा कच्चे पपीते का जो बनके 90% ऑलरेडी तैयार हो चुका है, इसमें 10% और कमी जो कि वाटर कंटेंट है, जो बिल्कुल रिड्यूस करना है और इसको स्लो फ्लेम पे पकाते रहना है। वाटर कंटेंट रहेगा तो आपके पिकल खराब होने का
बहुत ही वो चांसेस रहेगा खराब होने का। जब आपका ये पिकल रेडी हो जाएगा आप इसको किसी भी किसी बर्तन में या जार में स्टोर करके रख सकते हैं और इसको आप एटलीस्ट ठंडी जगह रखेंगे तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि ऑयल फ्री है। क्यों आप ऑयल फ्री पिकल बाहर ज्यादा नहीं रह पाएगा, शुगर वाला है तो आपको इसको एटलीस्ट 4 to 5 days स्टोर करके रख सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो मोर देन 1 to 2 weeks ज्यादा रहेगा। तो ये पक के तैयार हो चुका शुगर का जो है वो जैसे तार में समझ में आता था 2 से 3 तार वाली चासनी रखनी क्योंकि 1 या 2 वाली रखेंगे तो जब स्टोर करेंगे बॉडी टाइट हो जाएगा और ग्रैनुल्स टाइप का हो जाएगा। तो इसको अब किसी बर्तन में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तो इसको ये देखिए कितना यूनिक कलर है। ये जैसे आप स्टोर करेंगे उसके बाद इसका कलर और भी मैच्योर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये पसंद आएगा। ट्रेडिशनली रेसिपी बाय प्रेम सिंह राठौड़ ऑन रावली रसोई मीठा अचार है कच्चे पपीते का है। आप स्टोर करके खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग रावली रसोई। थैंक यू।